एवरीबडी। सो इस लेक्चर में हम जानेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर और उसके टाइप्स, ठीक है, और उसको कैसे किस उनकी यूनिट्स क्या होती है हार्डनेस की, और उसको किस तरीके से निकालते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन अगर वाटर में है तो उसकी हार्डनेस कैसे निकालेंगे। तो इस पूरे चैप्टर, इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 10 बात करेंगे वाटर हार्डनेस और उसके टाइप्स की। तो सबसे पहले आते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आप इससे पहले वाले लेक्चर में आप जान चुके हैं कि हार्ड वाटर किसको कहते हैं और सॉफ्ट वाटर किसको कहते हैं, ठीक है। अगर हार्ड वाटर है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, उसी को कहते हैं इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर या सोप कंज्यूमिंग प्रॉपर्टी है, इन शॉर्ट आप कहें तो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर सोप सॉल्यूशन के साथ आप हार्ड वाटर को ट्रीट करेंगे या क्या करेंगे घोलेंगे तो वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हार्डनेस हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, जब सोप सॉल्यूशन के साथ हार्ड वाटर को क्या करेंगे, सोप सॉल्यूशन को रिएक्ट करेंगे तो वो लेदर आसानी से नहीं करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इनफैक्ट वो एक वाइट स्कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट जिसको हम स्कम कहते हैं, ठीक है। तो हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं हार्ड या हार्डनेस कितनी है, हम डिफरेंट टाइट्रेशन मेथड है जिनमें से एक वर्सनेट मेथड है जिसमें हम यूनिफॉर्म ब्लैक टी एज इंडिकेटर यूज़ करते हैं और बफर सॉल्यूशन 9 to 10 पीएच के बीच रखते हैं और ईडीटीएस से रिएक्ट कराते हैं। तो हार्ड वाटर गिव वाइन रेड कलर भी थे दिस इरिक्रोम ब्लैक टी, ओके। सो अब आपको मालूम है हार्ड वाटर दो तरह का होता था, तो हार्डनेस भी दो तरह, मीन्स हार्डनेस कितने तरह की होती है उसको हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग। अगर हम किसी वाटर सैंपल को बॉइल करें और वो उसके बॉइलिंग के बाद उसकी हार्डनेस चली जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस। क्या बोलेंगे, टेम्पररी हार्डनेस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिर्फ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्रेजेंट है और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो आफ्टर बॉइलिंग, जैसे ही आप बॉइल करेंगे, आफ्टर बॉइलिंग वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैल्शियम सारे कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम के सारे सॉल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, और वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाएंगे जिसको आप छान के मीन्स सीव करके निकाल लेंगे तो आपका पानी सॉफ्ट हो गया, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए है, टेम्पररी हार्डनेस के लिए। मीन्स अगर आप किसी वाटर, आपको वाटर सैंपल दिया जाए और अगर उसको बॉइल करें और बॉइलिंग के बाद उसमें प्रेसिपिटेट आ जाए, ठीक है, और उसकी हार्डनेस चली जाए तो उसको बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस उसको कहते हैं कि जो इवन बॉइलिंग, यानी उस वाटर सैंपल को आप बॉइल भी कर दें तो बॉइलिंग के बाद भी उसकी हार्डनेस नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के वाटर सैंपल में कौन से सॉल्ट हो सकते हैं अदर देन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इसीलिए हम इसको परमानेंट हार्डनेस को क्या कहते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्या कहते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। यानी इसमें सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट सॉल्ट हो सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के अदर देन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। इस तरह के परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाते हैं, हम लाइम सोडा प्रोसेस से या जियोलाइट प्रोसेस से या आयन एक्सचेंज प्रोसेस से। तो उसी तरीके से टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगी, यानी टेम्पररी हार्डनेस को और परमानेंट हार्डनेस को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, टोटल हार्डनेस, ठीक है। अब ये हार्डनेस हम कैलकुलेट या डिटरमाइन कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो हमारे पास तीन मेथड हैं। एक को कहते हैं सोप टाइट्रेशन मेथड, एक को ओहेनर अल्कली टाइट्रेशन मेथड और एक को ईडीटीए मेथड। इनमें से वाइडली यूज ईडीटीए मेथड है और तीनों ही टाइट्रेशन मेथड है। टाइट्रेशन में आप जानते हैं, टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, नोन कंसंट्रेशन से अननोन के बारे में जान पता लगाते हैं, यानी
करते हैं, ब्यूरेट में हम नोन कंसंट्रेशन लेते हैं और जो कॉनिकल फ्लास्क में अननोन सैंपल लेते हैं। नोन सैंपल में हम कुछ या तो इंडिकेटर डालेंगे, तो इंडिकेटर और ब्यूरेट को हम ऑन करेंगे, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों रिएक्टेंट, और जहाँ पे कलर चेंज हो जाए वो हमारा एंड पॉइंट होता है। तो उसी तरीके से हम EDTA मेथड जनरली वाइडली यूज़ होता है। हम इसमें यूज़ क्या करते हैं, EDTA, EDTA एज ए टाइट्रेंट, तो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो वाटर सैंपल हम लेते हैं, वाटर सैंपल में हम थोड़ा सा बफर सॉल्यूशन डालते हैं, वन टेस्ट ट्यूब। बफर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, विच रिजिस्ट चेंजेस इन पीएच, तो 9 से 10 यानी बेसिक पीएच होना चाहिए, और उसमें हम इरियोक्रम ब्लैक टी डालते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप EDTA उसमें कॉनिकल फ्लास्क में ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते हैं, ठीक है। तो वाइन रेड कलर चेंजेस इन टू ब्लू, तो वहाँ पे एंड पॉइंट आ जाता है। तो ये हो गया हमारा EDTA मेथड से हम हार्डनेस निकाल लेते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2 से, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, अब हार्डनेस जो है हाँ उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, उसको हम और उस यूनिट को और उसकी यूनिट ppm में हो सकती है, यानी पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर में हो सकती है, डिग्री क्लार्क में हो सकती है, डिग्री फ्रेंच में हो सकती है। अच्छा, हम वाटर को की हार्डनेस पता करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड तय करते हैं, यानी उस केमिकल के रेस्पेक्ट में हम बताएंगे कि दूसरा वाला केमिकल कितना हार्ड है, ठीक है। जैसे आपने कभी तराजू देखा है, तराजू में एक तरफ हम स्टैंडर्ड रखते हैं, यानी मान ले नोन क्वांटिटी का बटखरा रखते हैं, मींस वेट, और उसके रेस्पेक्ट में हम जो भी क्वांटिटी है वो इक्वेट करते हैं। तो उसी तरीके से हमने हार्डनेस जो लेते हैं हम किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, न्यूमरसली हम कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट, वो स्टैंडर्ड मानते हैं उसको। क्यों मानते हैं, उसके पीछे दो रीज़न है, एक मैथमेटिकल रीज़न है, एक केमिकल रीज़न है। मैथमेटिकल रीज़न ये है कि उसकी मॉलिकुलर मास 100 होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैसे, कैल्शियम की 40, कार्बन की 12, ऑक्सीजन की 16, तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो ये 100 मॉलिकुलर मास जो है वो हमारी कैलकुलेशन में आसानी करता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए हमने यूनिवर्सली कैल्शियम कार्बोनेट को स्टैंडर्ड माना। दूसरा रीज़न है इस कैल्शियम कार्बोनेट को लेने का कि इट इज़ द मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट, जितने भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट हैं उनमें से ये मोस्ट इन जल्दी प्रिसिपिटेट बन के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि डेफिनेशंस, जितने भी आपने चार तरह के यूनिट्स पढ़े हार्डनेस की, एक ppm, मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच, तो हम हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में बात करते हैं कि कोई भी सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में कितना है, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो ppm क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट डिजॉल्व पर 10^6 पार्ट ऑफ वाटर, मिलियन मीन्स 10^6, तो 10^6 पार्ट ऑफ वाटर में जो भी सॉल्ट की हार्डनेस निकालनी है वो सॉल्ट कितना है, कितने पार्ट है पर 10^6 पार्ट में, जिसकी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के बराबर है, ठीक है। अगला है मिलीग्राम पर लीटर, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ वाटर। उससे डिग्री क्लार्क, अब डिग्री क्लार्क ये होता है कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्रेन, तो ग्रेन क्या होता है, एक ग्रेन इज इक्वल टू होता है 1/7000 पाउंड, LB मीन्स पाउंड। तो इसको ऐसे डायरेक्ट समझे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीपी में, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट डिजॉल्व पर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी 70,000 पार्ट के वाटर में कितना पार्ट वो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस सॉल्ट की है। डिग्री फ्रेंच, अब डिग्री फ्रेंच भी इट इज़ द पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 10^5 पार्ट्स ऑफ वाटर, ये बिल्कुल ppm के जैसे ही है, लेकिन यहाँ ppm में मिलियन में 10^6 था, यहाँ 10^5 है, ठीक है। अब इनकी आपस में रिलेशन क्या होती है, जैसे मैं कहूँ एक किलोमीटर में 1000 meters, ठीक है, उसी तरह की इन दोनों के ppm में, ppm मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री फ्रेंच और डिग्री क्लार्क के बीच का रिलेशन क्या है, सॉरी
तो इसके बीच का रिलेशन ये है, 1 ppm इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 mg/L, यानी जब भी मैं कहूँ 1 mg/L तो आप समझ जाइए 1 ppm, या जब भी मैं ppm कहूँ आप mg/L कह सकते हैं, mg/L कहूँ तो ppm कह सकते हैं, लेकिन वेरिएशन क्या है, 1 ppm में 0.1 degree French होता है और 1 ppm में 0.07 degree Clark होता है। तो ये कुछ आपको रिलेशन याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट हैं, 4 यूनिट आपको ये हार्डनेस की यूनिट बताते हैं। अब कैसे हार्डनेस, हार्डनेस को समटाइम हम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है, हार्डनेस का फॉर्मूला होता है हार्डनेस इज इक्वल टू मास, या यूं कहिए मास की जगह स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कुड बी मास और कंसंट्रेशन। तो मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इनटू 50 कहाँ से आया, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब केमिकल इक्विवेलेंट आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कुड बी एसिडिटी बेसिसिटी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम केमिकल इक्विवेलेंट निकालें तो मॉलिक्यूलर मास 100 होता है डिवाइड बाई 2, एन फैक्टर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाए 2, तो 100/2 इज इक्वल टू 50। तो ये वही वाया है, तो हम यहाँ पे ये 50 हर फार्मूला में यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाई केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। तो ओवरऑल हार्डनेस का फार्मूला क्या हो जाएगा, मास हार्डनेस इज इक्वल टू मास या कंसंट्रेशन ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इनटू 50 बाई केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। अब आते हैं जरा, ये देखिए हार्ड वाटर कैसा दिख रहा है आपको इस कंट्रोल फास में, ये प्रेसिपिटेट नीचे आ गया, ठीक है, सोप सॉल्यूशन के साथ, और यहाँ सोप सॉल्यूशन के साथ लेदर ऊपर आ गया, ठीक है, लेदर झाग ऊपर आ जाता है और प्रेसिपिटेट हैवी होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब कुछ प्रॉब्लम करेंगे, इनमें से मैं कुछ 3-4 प्रॉब्लम आपको कराऊंगा और 2 आपको खुद से करने होंगे, ये 5-6। तो अगर इसमें से ना आ पाए आपको तो आप मेरे YouTube चैनल पे डिस्क्रिप्शन में कीजिएगा, मैं उसको आपको कर दूँगा, ठीक है। तो एक एक करके प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम देखने के लिए क्या है कि ये जो पहला प्रॉब्लम है, ए वाटर सैम मान लिया, ये प्रॉब्लम 1, सैंपल ऑफ वाटर कंटेंट 50 mg ऑफ कैल्शियम आयन पर लीटर। तो इसमें पूछा है कि 50 mg कंसंट्रेशन है कैल्शियम आयन की, तो इसकी हार्डनेस आपको बतानी है। तो हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम बताते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सैंपल ऑफ वाटर कंटेंट 50 mg ऑफ कैल्शियम आयन पर लीटर कैलकुलेट इज हार्डनेस। तो आपको मालूम अमाउंट दे दिया 50 mg/L, ठीक है, और आपको कैल्शियम का क्या मॉलिक्यूलर मास मालूम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मालूम है कितना, कैल्शियम का 40 होता है, और अगर केमिकल इक्विवेलेंट 40 का निकालें तो क्या हो जाएगा 40/2 कैसे, क्योंकि ये 2 प्लस आयन, एन फैक्टर क्या है 2। तो ओवरऑल अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी हार्डनेस इज इक्वल टू क्या 50 जो कंसंट्रेशन थी इनटू ये 100 कहाँ से आया, मॉलिक्यूलर मास आप डायरेक्ट रख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्ट जिस सॉल्ट के बारे में पूछा है। तो आप देखिए क्या आ गया, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ओवरऑल कितना आ गया 125 ppm mg/L इसको बोलिए या ppm बोलिए, बात एक ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। सो अब देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम क्या है, देखिए कह रहा है ए वाटर सैंपल कंटेंट 204 mg ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड 73 mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन दी हुई किसकी, कैल्शियम सल्फेट की और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है। तो 204 mg/L कैल्शियम सल्फेट है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 73 mg/L है, ठीक है। तो इसमें पूछा है टोटल हार्डनेस, तो टोटल हार्डनेस मैंने बताया था, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ देखिए, तो हम इसका सॉल्यूशन ज़रा देखेंगे। अब आपको
इसको निकालने से पहले हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है, हार्डनेस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन या मास ऑफ दी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इन टू 100 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, ठीक है, या केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू टू, या केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इंटू टू। खैर, तो कैल्शियम सल्फेट, सबसे पहले हम इस कैल्शियम सल्फेट का निकालेंगे हार्डनेस। तो हार्डनेस कितनी होगी, तो आपको मालूम है इसकी 204 इंटू 100 डिवाइड बाई कैल्शियम सल्फेट का मोलिकुलर मास कितना, 136। तो ओवरऑल कितना कैल्शियम सल्फेट का हार्डनेस कितनी आ गई, 150। ध्यान रहे, हार्डनेस एक अलग पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर, और कंसंट्रेशन एक अलग पैरामीटर है। देखिए, इसकी कंसंट्रेशन, कैल्शियम सल्फेट की कंसंट्रेशन पानी में 204 थी, लेकिन हार्डनेस कितनी है, 150। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में उसको निकालने कितना हार्ड है। नेक्स्ट, उसमें दूसरा सॉल्ट दिया हुआ मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट, दूसरी तरह मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट के लिए भी हम फॉर्मूले पुट करेंगे। कंसंट्रेशन कितनी, 73 इंटू 100 बाई 146 करेंगे, तो ओवरऑल कितना आ गया, आ जाएगा मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट 50 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, अब इसमें से आपको ये पता करना है टेम्पररी किसकी वजह से होता है, कार्बोनेट और बाईकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ कार्बोनेट या बाईकार्बोनेट कौन से सॉल्ट में, सिर्फ मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम की जितनी कितनी वैल्यू है, 50 मिलीग्राम पर लीटर, यानी टेम्पररी हार्डनेस कितनी है, 50। और परमानेंट अदर देन कार्बोनेट एंड बाईकार्बोनेट, तो अदर देन कैल्शियम सल्फेट है, तो उसकी कितनी हार्डनेस है, 150। तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कितनी होती है, टेम्पररी प्लस परमानेंट, तो ओवरऑल कितनी आ गई, 50 प्लस 150 इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर लीटर। देखिए यहाँ आगे 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला ये क्वेश्चन सवाल जवाब है, ठीक है। अगला थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट कंटेंट उसमें और बढ़ा दिए मैंने। तो इसमें कहा है, पूछा कैलकुलेट द कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल कंटेनिंग डिसॉल्व सॉल्ट। अब इसमें कोई वाटर सैंपल है उसमें जिसमें मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम बाईकार्बोनेट भी है, कैल्शियम सल्फेट भी है, NaCl भी है, ये पांच सॉल्ट हैं। तो इसमें पूछा है कार्बोनेट हार्डनेस। अच्छा, मैंने पहले आपको बताया था कार्बोनेट हार्डनेस किसको बोलते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किसको बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस को। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या टेबल ना बना के आप इंडिविजुअली सबका हार्डनेस निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट का निकालते हैं, मैग्नीशियम पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट 73 है, 100 बाई 146, 146 क्यों, उसकी मॉलिक्यूलर मास 146 होती है, ठीक है, तो 5 मिलीग्राम पर लीटर आ गई। उसी तरह से कैल्शियम बाईकार्बोनेट कितना है, ठीक है, 7.3 थी, यहाँ बाहर यहाँ पे 7.3 लेंगे, ओके, दिस वन 7.3, ठीक है। तो अब हम आते हैं 5 मिलीग्राम आ गए। उसी तरह 40.5 है कैल्शियम बाईकार्बोनेट, उसका मोलिकुलर मास 162 है, 162 इंटू 100 25 आ गया। उसी तरह कैल्शियम सल्फेट 13.6, तो 100 बाई 136 कर दिया। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन 21.75 है, 100 बाई 95, उसका मोलिकुलर मास 95.29। अच्छा, NaCl जो है यहाँ पे NaCl हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। जब वो हार्डनेस करता ही नहीं, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ना कार्बोनेट में, नॉन कार्बोनेट में। तो ओवरऑल कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी, जितने भी कार्बोनेट या बाईकार्बोनेट वाले सॉल्ट हैं उनकी हार्डनेस जोड़ दीजिए, यानी सिर्फ दो ही सॉल्ट हैं हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट जिसकी 5 ppm है या 5 मिलीग्राम पर लीटर है हार्डनेस, और कैल्शियम बाईकार्बोनेट 25 है, तो ओवरऑल 30 होगी क्या कार्बोनेट हार्डनेस, यानी टेम्पररी हार्डनेस। अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस में, परमानेंट हार्डनेस जितने भी परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है उनकी हार्डनेस देखिए कितनी है, 10 और 22.9, तो ओवरऑल 32.9, ठीक है। तो हमारा सवाल इतना ही था कि आप कार्बोनेट हार्डनेस निकालिए और नॉन कार्बोनेट, तो कार्बोनेट हार्डनेस 30 आ गई दिस वन, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ गई 32.9, ठीक है, ओके। अब अगला चौथा देखेंगे, चौथा भी यहाँ से गिरा 14.6 मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट, गिरा 14 मैग्नीशियम क्लोराइड 9.5, ये डिफरेंट सॉल्ट दिए हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है सिंपली टेम्प्रेरी हार्डनेस निकालिए और परमानेंट हार्डनेस निकालिए, ठीक है। तो वही
पुट द वैल्यू गेट द आंसर. हार्डनेस आपको मालूम है अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इनटू 100 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. ओवरऑल 10 आ गई. मैग्नीशियम क्लोराइड की 9.5, इसकी भी 10 आ गई. मैग्नीशियम सल्फेट की 6 × 100 बाई 120 मॉलिक्यूलर मास 5. ठीक है, तो फाइनली टेम्पररी हार्डनेस मैंने कहा था कार्बोनेट और बाईकार्बोनेट के हार्डनेस की वजह से टोटल जो भी वाटर सैंपल में बाईकार्बोनेट थे कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, उन दोनों की हार्डनेस कितनी थी 10-10. तो दो टोटल टेम्पररी हार्डनेस कितनी होंगे 20 मिलीग्राम पर लीटर. परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट कौन कौन से, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट. तो दोनों की हार्डनेस कितनी है 10 और 5, टोटल 15. तो ओवरऑल आंसर कितने आ गए 20 टेम्पररी की और परमानेंट हार्डनेस की 15. ठीक है, 15 और 20. ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पे ये 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए. ये 2 क्वेश्चन आप अपने खुद से कीजिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है. ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक में क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा. ओके, यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है. तो ओके, थैंक यू वेरी मच.